हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट होप यू आर डूइंग वेल सो लर्नर्स आज का हमारा टॉपिक है आईडीआर यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट आईडीआर आपके यूजीसी नेट जे बीकॉम एमकॉम और प्लस वन प्लस टू के सिलेबस में डिस्कस किया गया है स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कहते एन आई डी आर इज एन इंस्ट्रूमेंट डेनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज इन फॉर्म ऑफ अ डिपोजिटरी रिसीट क्रिएटेड बाई अ डोमेस्टिक डिपोजिटरी अगेंस्ट द अंडरलाइन इक्विटी शेयर ऑफ इशूंग कंपनी टू एनेबल फॉरन कंपनी टू रेस फंड फ्रॉम द इंडिया मतलब आई डी आर एक नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी फॉरन कंपनी द्वारा इंडिया से जो रुपीस हैं उनको कलेक्ट करने के लिए इशू किया जाता है यानी कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से मनी कलेक्ट करना चाहती है तो वो क्या इशू करेगी वो इशू करेगी आईडीआर। आईडीआर के अलावा हमने एडीआर और जीडीआर को भी डिस्कस किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक दैट वीडियोज सो आगे डिस्कस करते हैं सेबी इश्यूड गाइडलाइंस फॉर डिस्कलोजर विद रिस्पेक्ट टू आईडी यानी कि आई से रिलेटेड जो भी आपके गाइडलाइंस है वो कौन इशू करेगा वो इशू करेगा सेबी सेबी इज द मेन कंट्रोलर फॉर इशूंग गाइडलाइन टू रिलेटेड विद आई डी आर द आई डी आर आर रिक्वायर टू ऑबटेन टू बी इशूड इन द एट वन स्टोक एक्सचेंज इन इंडिया हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल्स यानी कि इंडिया में आई डी आर को ईशू करने के लिए उस फॉरन कंपनी को इंडिया के किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी के जो सिक्योरिटी हैं उनको लिस्टड कराना पड़ेगा और उन लिस्ट सिक्योरिटीज़ को किसी भी नेशन वाइड टर्मिनल में लिस्टड करा कर ही वो इंडिया में आई डी आर ईशू कर सकती हैं नेक्स्ट इज़ एन आई होल्डर कैन नोमिनेट एनी टाइम अ पर्सन टू होम हिज आईडी शेल वेस्ट इन द इवेंट ऑफ इज डेथ यानी कि जो आई है उसका ओनर किसी भी टाइम अपने नोमिनी को क्या कर सकता है सेलेक्ट कर सकता है इनकेस ऑफ वेस्ट इवेंट ऑफ डेथ यानी कि अपने डेथ के बाद जो उसका नोमिनी है वो उस आई का क्या बन जाएगा ओनर बन जाएगा एक आइडिया होल्डर किसी भी टाइम अपने नॉमिने को जो है सेलेक्ट कर सकता है सो दिस इज ऑल अबाउट डिस टॉपिक होप दिस इज क्लियर इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू हैव ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम कॉमर्स इंस्टीट्यूट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो